बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला टॉपिक है साइंस। साइंस इज अ लेटिन वर्ड, जो लेटिन में इसको साइंशिया कहा जाता है। साइंशिया का मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, साइंस का मतलब है इलम का हसूल। तो हम इसको थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस में देखते हैं कि नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी जो इलम मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पे हासिल होती है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। तो साइंस में बुनियादी जो खलीदी एलिमेंट होता है उस वो ऑब्जर्वेशन होती है, और उसमें जो सबसे ऑथेंटिक या सबसे जो बेहतरीन ऑब्जर्वेशन होता है उसको तजुर्बात की कसौटी में परखा जाता है। और ऐसे जो मफरूजे, जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ऐसे मफरूजे जिसको तजर्बा सपोर्ट कर ले, वो फिर कोई आगे जाके कोई साइंटिफिक थ्योरी बनती है, फिर कोई साइंटिफिक लॉ बनता है। डिवीजन ऑफ साइंस यानी साइंस के जो डिसिप्लिन्स है या साइंस की शाखें हैं, हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर साइंस एक बहुत लिमिटेड नॉलेज था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की जो ख्वाहिश थी और उसकी जद्दोजहद थी, उसके नतीजे में इल्म साइंस में काफ़ी वसत आई। उसके नतीजे में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई शिद्दत से कि साइंस को मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, ब्रांचेस में तकसीम किया जाए। तो उसमें एक वास्टनेस ऑफ नॉलेज था, इल्म की जो कसरत थी, इल्म की ज़्यादती था, और दूसरी ये कि क्लैरिटी पैदा हो जाए किसी तरह से कि मिसाल के तौर पर हम अभी साइंस के जितने भी ब्रांचेस को इंडिविजुअली पढ़ते हैं उसको पढ़ के इंसान जो है काफ़ी बेटर जो है समझ सकता है। और फिर सिमिलरिटीज होती है जितनी भी नॉलेज की जो इनिशियल फॉर्म्स थी उसमें सिमिलर बातों को यकजा करके एक डिसिप्लिन बनाया गया, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंसेस थे जहाँ पे मुख्तलिफ जो व्यूज थे और उसमें आ रहा थे उसकी बुनियाद पर बास जो है बातों को, बास अलूम को एक साथ रख कर एक डिसिप्लिन बनाई गई, और बास डिफरेंसेस को सामने रखकर दूसरी डिसिप्लिन बनाई गई। तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो साइंस को जो है पढ़ने और समझने में आसानी पैदा हो जाए, और इसी तरह से साइंस की एक कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हर डिसिप्लिन को सामने रखे कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की जा सके। तो बेसिकली हम ये कहते हैं, चूंकि ये हम फंडामेंटल ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस को जिन ब्रांचेस में तकसीम किया गया हो तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ बेसिक जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह हैं। चूंकि हमारा ये जो जो सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगी, इसलिए हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारी सारी लेक्चर्स और सारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक सॉरी एक डिसिप्लिन है, साइंस की एक आप इसको कह सकते हो। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, उसमें पर चेंजेस आएगी, ठीक है, इसी तरह से लॉज दैट गवर्न चेंजेस। सबसे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में हम बेसिकली मादे को पढ़ते हैं, और मादा या मैटर कोई भी ऐसी शे हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले कोई भी ऐसी शे जो वजन रखती हो, जो जगह घेरती हो, उसको हम मादा कहते हैं, ठीक है। और दूसरे सेंस में हम ये कहते हैं कि मादा हर वो शे है जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में जो मार्कर है ये मादा है, वाइट बोर्ड, यहाँ पे पड़ी हुई चेयर्स और फिर डेस्क, हवा, पानी, पहाड़, चरिंद, परिंद, इंसान, ये सब के सब मैटर है। फिर हम केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें हम मैटर को बेसिकली पढ़ते हैं, और मैटर के किन पहलुओं को डिस्कस करते हैं, उसमें एक कंपोजिशन है, एक प्रॉपर्टीज है, और एक चेंजेस है, एंड देन और वो कवानीन जो इन चेंजेस को किसी तरह से जो है सपोर्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंपोजिशन क्या होती है। जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन का मतलब ये समझना होता है साइंस की कॉन्टेक्स्ट में
या केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स में कि कोई भी सब्सटेंस किन कंपोनेंट से बने होते हैं, किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स या किन अज्जा से बने होते हैं, उसको हम नाम देते हैं कंपोजिशन का। तो मिसाल के तौर पर हमारी खुर्दनी नमक होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट कहते हैं इंग्लिश में, एंड ये टेबल साल्ट जो है ये कंपोज होता है सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से। फिर कंपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट हम मैटर के हवाले से जिस चीज को केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, वो खसूसियात जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी शे को देख के उसको पहचान सकें, इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड द अदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक किसी भी शे के, किसी भी कंपाउंड के जो जाहिरी करेक्टरिस्टिक्स होती है उसे उसका ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कलर जो है हमें विजिबल नजर आती है, और फिर दूसरा हम उसको सूंघ भी सकते हैं कि उसका जो जो ऑर्डर होती है वो कैसे होता है, उसको चेक भी सकते हैं उसकी टेस्ट कैसी होती है। तो ये सारी चीजें फिजिकल या अपेरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक तले पर डिस्कस किया जाए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डील्स विद द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो है, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कोई भी सब्सटेंस जो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र आ जाता है तो बेसिकली हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं और बात वहां से शुरू हो जाती है। केमिकल चेंज बिगिंस एट द वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। उस माइक्रोस्कोपिक लेवल में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन शेयर कर रहा है और कौन जो है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ से डोनेट और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस का अमल होता है, तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के जुमरे में आ जाता है। ठीक है, तो देन हम कहते हैं कि केमिकल मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जो हमारी टेबल सॉल्ट है वो तब बनती है जब सोडियम एक एलिमेंट उसका एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एंड देन अदर एटम ऑफ क्लोरीन जो क्लोरीन एलिमेंट से ताल्लुक रखता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और दोनों आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड एक नई चीज बना लेती है। तो इसका ताल्लुक केमिकल प्रॉपर्टीज से होगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री में हम जिस चीज को डिस्कस करते हैं दैट इज चेंजेस। तो चेंजेस का क्या मतलब है? चेंजेस का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो तब्दीली आती है, ये तब्दीली खा उसके स्टेट में हो या वो उसके कंपोजिशन में हो, उसको हम नाम देंगे चेंजेस। तो चेंजेस दो किस्म के होते हैं, नंबर फर्स्ट इज फिजिकल चेंज और नंबर नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होता है, कहा जाता है कि जो फिजिकल चेंज होती है वो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है। मिसाल के तौर पर जब हम पानी को कैतली में रख के गर्म करते हैं बुखारात में कन्वर्ट होती है, और जब बुखारात को ठंडा किया जाए तो वो वापस पानी में तब्दील, और इसी पानी को जब हम फ्रीजर में रखें तो वो पानी बर्फ में तब्दील, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, और ये फिजिकल रिवर्सिबल होती है। एक स्टेट से सब्सटेंस दूसरी स्टेट में चला जाता है, उसको दोबारा रिट्रीव किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि केमिकल चेंज इज प्राइमरीली इरिवर्सिबल होता है। मिसाल के तौर पर हम जब कागज, लकड़ी या मीथेन गैस जिसको नेचुरल गैस कहा जाता है, जब उसको हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इन केस ऑफ कागज या जो जो भी पेपर होगा या वुड होगी वो दैट टर्न्स इनटू एशेस, हीट इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। और हमारे पास लॉज दैट गवर्न चेंजेस केमिस्ट्री में द वेरी हम ये कहते हैं कि जो वो कवानीन है जो इन चेंजेस को, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं, वो किस कानून कवानीन के तहत अमल पैरा होती है, किस कानून को फॉलो करते हैं, उसको भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लॉज दैट गवर्न चेंजेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और दूसरी से तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें
तो बेसिकली जो जो टोटल मैटर होती है वो कांस्टेंट रहती है, और जो उसकी फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। फिर इसी तरह से हमारे पास मिसाल के तौर पर, आगे बढ़ने से पहले मिसाल के तौर पर, जब हम कागज या फिर गैस या फिर लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी की जो टोटल मास होती है आफ्टर कंबस्शन, जलने के बाद जो राख हमें हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन द अदर फ्यूल गैसेस जो हमें मिलती है, और देन वाटर जो प्रोड्यूस होता है और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, अगर इनको कलेक्टिवली सम अप किया जाए तो देन दैट विल बी इक्वेलेंट टू द मास ऑफ द वुड बिफोर कंबस्शन। इसी तरह से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल इसी तरह से वो कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मादा ना पैदा किया जा सकता है, ना फना किया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, उसकी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। मिसाल के तौर पर सूरज से पड़ने वाली शुआएं जो पत्ती होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पत्तों में खुराक बनने का अमल होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर सूरज की सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, वो केमिकल एनर्जी जब जानवर वगैरह पौधों के ऊपर जो इन्हिसार करते हैं वो उन पौधों के खुराक को नोश फरमाते हैं, तो उसकी जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होती है, उसके जिस्म के जितने भी अज़ा होते हैं उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती हैं, लिम्स वगैरह और फिर गर्दन वगैरह, ये सारी आंख और सब कुछ। और फिर ये एनर्जी जो है टोटल एनर्जी जो सन की थी वो केमिकल एनर्जी में, और देन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज द एंड ऑफ द